हेलो दोस्तों, हम लोग डीएसएस का न्यूमेरिकल पिछले वीडियो में हम लोग देखिए थ्योरी पढ़े थे डीएसएस में, और जो थ्योरी पढ़े थे उसी से रिलेटेड आज हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। देखिए इसमें हम लोग डिजाइन ऑफ रिवेट कनेक्शन पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग कैसे कनेक्शन करते हैं उसका प्रोसेस सीखे थे, आज हम लोग उसी को अप्लाई करेंगे। कि जब थ्योरी तो हम लोग पढ़ लिए कि कैसे कैसे प्रोसेस से करते हैं हम लोग रिवेटिंग, अब आज हम लोग उसको अप्लाई करके देखेंगे कि जो फॉर्मूला पढ़े हैं वो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करके हम लोग डिजाइन करते हैं। और अगर आप लोग वीडियो नए देख रहे हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगता हुआ लगता है। और अगर दोस्त लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो दोस्तों से सब्सक्राइब करवा दीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए बिना स्किप किए हुए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। देखिए आज का न्यूमेरिकल है कि हम लोग को डिजाइन करना है रिबेट, मतलब रिबेटिंग डिजाइन है। कि हम लोग को दे दिया रहेगा, प्लेट दे दिया रहेगा, और हम लोग को पता होता नहीं है कि कितना एमएम का रिबेट डालना है, कितना कितना डिस्टेंस पे रिबेट डालना है, कितना नंबर्स ऑफ रिबेट कितना डालना होगा, वो सब निकालने के लिए आज हम लोग सीखते हैं। तो देखिए सामने दिख रहा होगा आप लोगों को कि न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। देखिए लिखा है ए मेंबर ऑफ ए रूफ ट्रस कंसिस्ट ऑफ ए टू एंग दो एंगल आयरन, मतलब दो एंगल सेक्शन दिया हुआ है 80 × 50 × 6 mm का उसका लेंथ ब्रेथ और थिकनेस है एंगल सेक्शन का। और बोल रहा है कि प्लेस्ड बैक टू बैक ऑन बोथ साइड। और देखिए दो एंगल सेक्शन है और इसको बोथ इसको बैक टू बैक जोड़ा गया है एंगल सेक्शन को, और किसके साथ, गजट प्लेट के हेल्प से। और गजट प्लेट का थिकनेस दिया हुआ है 8 mm थिक गजट प्लेट। ठीक, इट कैरीज ए डायरेक्ट लोड ऑफ 71 kN 21 kN। ये 21 kN लोड ले रहा है और 21 kN लोड के अनुसार हम लोग को डिजाइन करना होगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा क्या क्या बोल रहा है न्यूमेरिकल। हम लोग को 21 kN के अनुसार हम लोग को डिजाइन करना होगा कि कितना रिबेट दें, कितना क्या दें, कितना पिच डिस्टेंस दें, वो 21 kN के अनुसार होगा। और आगे बोला है द पावर ड्रिवेन रिबेट आर यूज्ड, और इसमें हम लोग को पावर ड्रिवेन रिबेट यूज करने के लिए बोला है, PDR या पावर ड्रिवेन सॉफ्ट रिबेट आर यूज। और डिटरमाइन बोला है, डिटरमाइन बोल रहा है क्या डिटरमाइन करना है, नंबर ऑफ रिबेट, कि नंबर ऑफ रिबेट इसमें कितना लगेगा। तो चलिए सबसे पहले इसका हम लोग फिगर बनाते हैं। ये सबसे पहले एक हम लोग गजट प्लेट बना देते हैं, इस टाइप का गजट प्लेट रहेगा। और यहाँ डबल एंगल सेक्शन लगा हुआ है, तो देखिएगा डबल एंगल सेक्शन मतलब बैक टू बैक का, एक इस टाइप का, एक एंगल सेक्शन इधर रहेगा और एक एंगल सेक्शन इधर है। देखिए ये है हम लोग का गजट प्लेट, ये हम लोग का है गजट प्लेट, और ये दोनों है एंगल सेक्शन। देखिए एंगल सेक्शन का हम लोग का दिया हुआ है डायमेंशन 80 50 6, 80 मतलब बड़ा वाला डायमेंशन, और देखिए जो कनेक्ट होता है वो बड़ा डायमेंशन कनेक्ट होता है एंगल सेक्शन का। आप लोग याद रखिएगा एंगल सेक्शन का हमेशा और हमेशा मैक्सिमम लेग कनेक्ट होता है, मतलब जो जो जितना बड़ा लेग होगा, मतलब जो जितना बड़ा डायमेंशन होगा वो कनेक्ट होता है प्लेट के साथ। तो इसका डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 80 mm, और ये वाला हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 50 mm, और इसका थिकनेस, ये ओवरऑल का थिकनेस यहाँ से ये इसका थिकनेस है 6 mm, और उसी तरह का इस साइड हो जाएगा। देखिए ये तो यहाँ फिट कर दिए, लेकिन अभी तक तो ये कनेक्शन नहीं हुआ क्योंकि डायरेक्ट यहाँ ऐसे लगा देने से ये यहाँ ज्वाइंट नहीं होगा, हम लोग को यहाँ एक रिबेट करना होगा। तो हम लोग को तो वही निकालना है कि नंबर ऑफ रिबेट क्या को करे। तो देखिए नंबर ऑफ रिबेट निकालना है, लेकिन उससे पहले हम लोग को तो एक एज्यूम करना होगा कि एक रिबेट लगाए हैं तभी कनेक्ट यहाँ हो रहा है, वरना कनेक्ट नहीं होगा तो गिर जाएगा इस टाइप से। इसलिए हम लोग यहाँ एक एज्यूम कर लेते हैं सबसे पहले कि इसमें एक रिबेट हम लोग लगा दिए हैं, मतलब एक रिबेट पर अभी ठोका हुआ है। अगर रिबेट नहीं लगाएंगे तो ये तो टूट जाएगा, मतलब ज्वाइंट ही नहीं होगा, तो फायदा क्या होगा। तो पहले हम लोग एज्यूम किए हैं कि एक रिबेट इसमें लगा दिए हैं, और इसके बाद अब हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ ज्वाइंट, सॉरी नंबर ऑफ रिबेट।
अब देखिए, अब हम लोग प्रोसेस करते हैं, मतलब सब अब डिजाइन करना शुरू करते हैं। तो डिजाइन करने से पहले अब हम लोग को निकालना होगा डाया, कि कितना एमएम का डाया का रिबेट इसमें हम लोग लगाएंगे। तो डाया निकालने का फॉर्मूला हम पिछले वीडियो में बताए थे, उसको हम लोग अनवींस फार्मूला बोलते हैं। अनवींस फार्मूला के हेल्प से हम लोग डाया लगा देंगे, डाया निकाल देंगे कि कितना एमएम का डाया इसमें हम लोग लगाएंगे। तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू अनवींस फॉर्मूला, और ये कौन सा डाया निकलता है, ये हम लोग का नॉमिनल डाया निकलता है 6.04 अंडर रूट टी। और ये टी कौन सा, थिकनेस ऑफ प्लेट, मतलब थिकनेस ऑफ ये जो एंगल सेक्शन है, इस एंगल सेक्शन का थिकनेस कितना है 6 mm, और ये सब एमएम है 6 mm, तो यहां कितना होगा 6.04 अंडर रूट टी मीन्स कितना 6 बराबर, ये हम लोग का जो भी निकलेगा एमएम में निकलेगा इसका डाया। देखिए इसका डाया कैलकुलेट करते हैं 6.04 अंडर रूट 6 बराबर हम लोग को निकल रहा है 14.79 mm। देखिए डाया हम लोग को निकला 14.79 mm, ये पॉइंट में हम लोग को जहां मिलता है डाया का वैल्यू, तो उसको हम लोग पॉइंट में नहीं लेते हैं। और ये आप लोग एक ध्यान में रखिएगा कि हमेशा और हमेशा डायमीटर जो भी डाया होगा रिबेट का, वो इवन फॉर्म में होता है, जैसे 2, 4, 8, 10, 12, 14, ये ऑड फॉर्म में नहीं होगा, मतलब ऑड नंबर में नहीं मिलता है डाया मार्केट में, जब भी मिलता है तो इवन फॉर्म में। ठीक, तो देखिए यहाँ 14.79 इस साइज का डाया का, इस डाया के अनुसार, ये डायमेंशन के अनुसार डाया हम लोग को मिलेगा नहीं मार्केट में, इसलिए इसको हम लोग क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। तो कितना 14.79, इसको आगे बढ़ाएंगे तो 15 mm आएगा। देखिए और 15 mm आएगा, और 15 mm मार्केट में मिलता नहीं, क्योंकि 15 mm क्या है ऑर्डर, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बढ़ा के यहाँ लगा देते हैं 16 mm का डाया। और ये मत कंफ्यूजन में पड़िएगा कि ये 16 mm यहाँ कैसे आ गया। देखिए ये आप डिजाइन कर रहे हैं, डिजाइन आप खुद से भी कर सकते हैं। जब एक हम लोग का मिल गया था, ऑवर व्यू मिल गया कि हाँ डाया हम लोग को 14.79 mm तक कम से कम इतना का लगाना है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, नहीं ये नहीं लेके थोड़ा सा बढ़ा दिए इसको, क्या कर दिए कि नहीं हम थोड़ा सा बढ़ा के जो मार्केट में अवेलेबल है वही उसी पर हम लोग काम करेंगे। तो मार्केट में अवेलेबल रहेगा 16 mm का डाया, रिवेट का डाया, तो वहां मार्केट से उठा के और ले आएंगे। तो ये हम लोग का कौन सा डाया निकला, नॉमिनल डाया, नॉमिनल डाया निकला। और देखिए ये जो हम लोग डिजाइन करते हैं, ये सब चीज हम लोग ग्रॉस डाया पर डिजाइन करते हैं, और ये 25 mm से कम है, तो इसका ग्रॉस डाया कितना बढ़ेगा, 1.5 mm बढ़ेगा। तो मतलब अगर यहां से हम लोग निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं ग्रॉस डाया DG बराबर 16 प्लस 1.5 बराबर 17.5 mm, ये हम लोग का ग्रॉस डाया निकल गया। अब देखिए डाया निकल गया, अब हम लोग को निकालना पड़ेगा, आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो इसके बाद हम लोग को निकालना पड़ेगा सीयर और बियर। सीयर और बियर में जो मिनिमम होगा वहां से हम लोग का रिबेट वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि रिबेट वैल्यू निकालना है। और वो क्यों निकालना है, क्योंकि नंबर ऑफ रिबेट हम लोग को पूछा है। तो नंबर ऑफ रिबेट बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ रिबेट बराबर लोड बटा रिबेट वैल्यू। तो लोड तो हम लोग को दिया हुआ है 21 kN, लेकिन रिबेट वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो रिबेट वैल्यू निकालना होगा। तो देखिए अब कैलकुलेशन करते हैं रिबेट वैल्यू, रिबेट वैल्यू से पहले अब हम लोग को निकालना होगा सीयर और बियर, क्योंकि उसी से हम लोग को पता चलेगा। तो देखिए सीयर स्ट्रेंथ पहले निकालते हैं, सीयर स्ट्रेंथ बराबर क्या होता है, N1 टाव वी एफ, टाव वी एफ N2 पाई बाई 4 DG का स्क्वायर, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ N1 मतलब नंबर ऑफ हॉल, तो नंबर ऑफ हॉल तो पहला अभी हम लोग को पता नहीं है कि कितना कितना भी हम लोग को रिबेट लगाना है, तो पहला एज्यूम कर लेते हैं कि नंबर ऑफ हॉल एगो है, क्योंकि एगो रिबेट हम लोग पहले ही ठोक दिए हैं। तो N1 बराबर एक, और देखिए टाव वी एफ दिया नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग को बोल दिया है कि हम लोग को काम किस पे करना, पावर ड्रिवेन सॉफ्ट रिबेट। तो ये हम पिछले वीडियो में बता दिए थे कि पावर ड्रिवेन सॉफ्ट रिबेट जब करते हैं तो उस समय टाव वी एफ या सिग्मा पी एफ या सिग्मा टी एफ ये सब का वैल्यू कितना होता है, ये हम पिछले ही बता दिए थे। तो देखिए इसमें हम लोग यहाँ लिख देते हैं, टाव वी एफ का वैल्यू इसमें होता है 90 MPa, और सिग्मा पी एफ का वैल्यू होता है 270 MPa।
ये सब हम लोग को डाटा दिया हुआ है, बुक में भी हम डाटा दिया हुआ था, हम दिखाए थे आप लोग, आप लोग पीछे वाला अगर वीडियो देखे होंगे तो समझ में आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो एक बार पीछे वाला वीडियो जरूर देख लें ताकि समझ में आ जाए। ठीक, और देखिए यहाँ सब पुट करते हैं, N1 N1 मीन्स नंबर ऑफ हॉल, नंबर ऑफ हॉल कितना है 1। टा वी एफ बराबर 90 MPa, मतलब 90 यहाँ होगा। N2 मीन्स नंबर ऑफ सीयर, देखिए सीयर किस की कितना जगह पे हो रहा है, एक यहाँ होगा इस जगह पे और एक इस जगह पे, मतलब नंबर ऑफ सीयर कितना होगा 2। नंबर ऑफ सीयर 2 इंटू पाई बाई 4 इंटू डीजी मतलब ग्रॉस डाया, ग्रॉस डाया कितना 17.5 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग सोल्यूशन करके वैल्यू लिख देते हैं, तो यहाँ से हम लोग को निकल जाएगा सीयर स्ट्रेंथ, ये हम लोग को वैल्यू दे रहा है 43295.07 इतना न्यूटन। इसको किलो न्यूटन में चेंज करते हैं तो 123 मतलब 43.29 किलो न्यूटन सीयर स्ट्रेंथ निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं बियर स्ट्रेंथ, क्योंकि बियर स्ट्रेंथ निकालेंगे तभी हम लोग को पता चलेगा रिबेट वैल्यू। तो अब हम लोग निकालेंगे बियर स्ट्रेंथ, देखिए बियरिंग स्ट्रेंथ बराबर होता है हम लोग का फॉर्मूला एन सिग्मा पी एफ इंटू डी जी इंटू टी, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। और देखिए एन मीन्स नंबर ऑफ हॉल, नंबर ऑफ हॉल कितना है 1, नंबर ऑफ हॉल 1, सिग्मा पी एफ 270 डीजी कितना है ग्रॉस्ड आया 17.5 mm। और थिकनेस देखिए यहाँ कौन सा थिकनेस लिया जाता है, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट ये जो हम लोग का यहाँ ये वाला है गजट प्लेट, इस गजट प्लेट का थिकनेस मान लिया जाएगा क्योंकि यही है थिनर प्लेट, इधर के बाद ये है ये वाला। और देखिए और अलग मेथड से देखना चाहते हैं तो देखिए इसका हम लोग क्यों लेते हैं थिकनेस, देखिए ये है 6 mm का थिकनेस और ये है 6 mm का थिकनेस, तो दोनों थिकनेस मिलकर कितना हो जा रहा है 12 mm, और गजट प्लेट का थिकनेस कितना है 8 mm। तो हम लोग हमेशा और हमेशा मिनिमम वैल्यू पर काम करते हैं, ये हम शुरू से बोल रहे हैं कि डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में हमेशा और हमेशा मिनिमम वैल्यू पे काम करेंगे। ठीक, तो देखिए दोनों एंगल सेक्शन को जब ऐड करेंगे तो टोटल थिकनेस कितना हो जाएगा 6 6 12 mm, ये तो 12 mm हो गया किसका एंगल सेक्शन का थिकनेस, और गजट प्लेट का थिकनेस कितना है 8 mm दिया हुआ था गजट प्लेट का थिकनेस, देखिए 8 mm, तो मिनिमम कौन हुआ 8 mm, तो वही हम लोग को लेके चलना है मिनिमम, हमेशा और हमेशा मिनिमम पे काम करेंगे। तो थिकनेस यहाँ कितना होगा 8 बराबर, यहाँ से कुछ इसका यहाँ से वैल्यू हम लोग को मिल रहा है 37800 न्यूटन, और इसको किलो न्यूटन चेंज करना है 1 2 3 मतलब 37.8 किलो न्यूटन। देखिए बियरिंग स्ट्रेंथ भी हम लोग को निकल गया, सियरिंग स्ट्रेंथ भी निकल गया, अब दोनों में से कौन मिनिमम है वहां से हम लोग को रिबेट वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए ये सियरिंग स्ट्रेंथ 43.29, बियरिंग स्ट्रेंथ बराबर 37.8 किलो न्यूटन, तो मतलब मिनिमम वैल्यू ये वाला दे रहा है, तो हम लोग का रिबेट वैल्यू कितना होगा यही वाला, तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं रिबेट वैल्यू बराबर 37.8 किलो न्यूटन। देखिए रिबेट वैल्यू निकल गया, हम लोग को ये भी पता था कि कितना लोड के लिए हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, लोड है 21 किलो न्यूटन के लिए, तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं नंबर ऑफ रिबेट बराबर होता है लोड बटा रिबेट वैल्यू। देखिए लोड है हम लोग का कितना 21 किलो न्यूटन, तो 21 किलो न्यूटन सब किलो न्यूटन में बटा रिबेट वैल्यू भी निकाले हम लोग किलो न्यूटन में 37.8 किलो न्यूटन बराबर, यहां से हम लोग को निकल जाएगा नंबर ऑफ रिबेट की कितना रिबेट लगेगा उसमें 21.37.8 बराबर हम लोग को वैल्यू मिलेगा 1.87। अब देखिए यहां पे नंबर ऑफ रिबेट कितना है 1.87, तो 1.87 तो कहीं मिलेगा नहीं, तो इसलिए इसका हम लोग बढ़ा देते हैं, इसको हम लोग बढ़ा के ले लेते हैं कि नंबर ऑफ रिबेट। और देखिए हमेशा और हमेशा ये सब बढ़ा के ही काम करिएगा क्योंकि आप लोग आप डिजाइन कर रहे हैं, डिजाइन कीजिएगा, आप इंजीनियर हैं, अब आप पे डिपेंड करता है कि क्योंकि आपको कुछ बैकअप भी रखना होगा कि मान लीजिए कभी घट गया तो फिर तुरंत तो आप दुकान में या और दूसरा जगह जाके तुरंत तो खरीद नहीं पाइएगा, इसलिए हमेशा और हमेशा
थोड़ा मटेरियल बढ़ा कर ही लेना पड़ता है। ठीक, तो यहाँ से नंबर ऑफ रिवेट कितना हो जाएगा, 1.87 है, तो इसको बढ़ा देते हैं मतलब दो कर देते हैं सीधे, तो नंबर ऑफ रिवेट कितना लगेगा, दो रिवेट। अब देखिए यहां से हम लोग को पता कर चल गया का कि अगर इस पे एक्सियल लोड 71 किलो न्यूटन अगर लग रहा है और इसको हम लोग को रेजिस्ट करवाना है, तो इस पे एक रिवेट से काम नहीं चलेगा, इस पे हम लोग को कई गो रिवेट लगाना होगा, दो गो रिवेट लगाना होगा। ठीक, यहां तक तो पता चल गया है कि कैसे हो रहा था, यहां तक तो पता चल गया कि नंबर ऑफ रिबेट लगाना है दो गो। अब जो ये रिबेट ठोकेंगे अभी कितना कितना दूर पे रिबेट ठोकेंगे वो देख लेते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पिच डिस्टेंस। अब मिनिमम, ये पहले हम लोग मिनिमम निकाल लेते हैं कि मिनिमम कितना से कितना दूर तक ठोकना होगा, तो उसका फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, 3D और डी है कौन सा डायमीटर था, नॉमिनल डाया, तो हो जाएगा 3 × D। देखिए नॉमिनल डाया कितना है, 16 mm, तो यहाँ 16 48 mm, मतलब दोनों रिबेट के बीच मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 48 mm, और देखते हैं मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम पिच के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे 16 T और 200, इसमें से जो मिनिमम होगा वो वैल्यू, तो मतलब 16 T, टी यहाँ थिकनेस ऑफ गजट प्लेट है, तो थिकनेस ऑफ गजट प्लेट हम लोग का कितना था, 8 mm, तो यहाँ 8 और 200, तो यहाँ 16, 8, 28 से 128 और 200, इस दोनों में से मिनिमम कौन है, 128, तो हम लोग 128 mm लेके चलेंगे। तो देखिए कितना कितना दूर पे मिनिमम 48 mm तक ठोक सकते हैं और मैक्सिमम 128 mm, से इससे बाहर जाएंगे तो स्ट्रेंथ नहीं, लोड नहीं ले पाएगा इतना जो रिबेट दे रहे थे, और मिनिमम इतना से कम करेंगे तब भी नहीं ले पाएगा, इसलिए इस दोनों के बीच में हम लोग को रिबेट ठोकना होगा। तो पिच डिस्टेंस भी निकल गया, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों निकल गया। अब निकाल देते हैं एज डिस्टेंस की, कितना किनारा से डिस्टेंस उसको रखना होगा, तो उसके लिए देखिए उसके लिए भी हम लोग फॉर्मूला दिए थे, क्या था एज डिस्टेंस के लिए था हम लोग को 2D, मतलब 2×D था, यहाँ भी नॉमिनल डाया, तो नॉमिनल डाया हम लोग को 16 mm था, 16 × 32, तो हम लोग को 32 mm छोड़ के किनारे से 32 mm छोड़ के हम लोग को रिबेटिंग करना होगा, यही था हम लोग का डिजाइन प्रोसेस। और अगर फिन से अगर इसको फिगर से देखना चाहते हैं तो देखिए फिगर भी बनाते हैं, देखिए डिजाइन करते हैं, तो सबसे पहला हम लोग गजट प्लेट बना देंगे, ऐसे था गजट प्लेट, फिर एंगल सेक्शन लगा देंगे इसे, इस टाइप का एंगल सेक्शन था, और देखिए इसमें क्या था, दो हम लोग को रिबेट देना था, तो मतलब दो रिबेट, नंबर ऑफ रिबेट दो निकला था, तो नंबर ऑफ रिबेट यहाँ दो लगा देंगे, एक और एक दो, और ये लोड लग रहा था 21 kN, और ये सबका डायमेंशन दिया हुआ है, ये कितना डायमेंशन, ये है हम लोग का 80 mm, और ये है हम लोग का 50 mm, और इसका थिकनेस था 6 mm, और ये गजट प्लेट है, इसका थिकनेस था 8 mm, ये तो हम लोग साइड से देख रहे थे, तो इस जैसा ऐसा दिखेगा, जब हम लोग मतलब ये साइड से अगर इस साइड से देखेंगे, इस साइड से ये तो हम लोग सामने से देख रहे थे तो ये ऐसा दिख रहा था, और अगर इधर से देखेंगे साइड से तो दिखेगा कैसा दिखेगा, प्लेट पहला प्लेट ऐसा कहीं दिखेगा, एगो इस टाइप का प्लेट दिखेगा, और देखिए इस टाइप का प्लेट दिखेगा, इसमें सब वैल्यू निकला हुआ था, नंबर ऑफ रिबेट क्या गो है, दूगो, तो एगो यहाँ रहेगा और एगो यहाँ रहेगा, और इसी में सब डायमेंशन देखिए। अब पिच डिस्टेंस कितना था, मिनिमम 48 और मैक्सिमम 128, इस दोनों के बीच में से कितना भी डिस्टेंस पर हम लोग रिबेटिंग कर सकते हैं, तो ले लेते हैं कि 50 mm पिच डिस्टेंस, मतलब इस दोनों के बीच के डिस्टेंस ये कितना था, 50 mm ले लिए, और एज डिस्टेंस कितना है, 32 mm, तो एज कहाँ से होगा, ये वाला एज है, तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस ये वाला कितना होना चाहिए, 32 mm, नीचे से भी ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 32 mm, यही सब हम लोग को निकालना था, नंबर ऑफ रिबेट कैगो ठोकना था, दो गो।
ये हम लोग अगर साइड से देखेंगे तो इस टाइप का दिखेगा, ठीक। और यही था हम लोग को डिजाइन करना है, और यही चीज को हम लोग को यहाँ देखते हुए हम लोग को जाके साइड पे इसी जैसा काम करना होगा, ठीक। और यही था आज का टॉपिक, डिजाइन प्रोसेस, डिजाइन कैसे करना है रिवेट, जिसमें हम लोग को निकालना वैल्यू निकालना होता है, और रिबेट वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को सियरिंग और बियरिंग निकालना होगा। रिबेट वैल्यू निकल जाएगा तो वहां से हम लोग को नंबर्स ऑफ रिबेट निकल जाएगा, नंबर्स ऑफ रिबेट निकला तो उसके बाद जो पिच डिस्टेंस है, मिनिमम मैक्सिमम एज डिस्टेंस है, वो सब निकल जाएगा, ठीक। आई होप अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगता है, और शेयर जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने कॉलेज के स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि जितना भी स्टूडेंट हो उस ग्रुप में जुड़ा हुआ हो, सब कोई पढ़ लें।